देख के एकदम मजा आ गया, एकदम रियल स्टोरी थी वैसे, और बहुत अच्छी थी, ऑसम शो है। कितने स्टार दोगे? क्या स्टार्स कितने दोगे? 5 में से क्या स्टार्स? 5 में से 5 में दोबारा देखोगे? या वन मोर टाइम? मैं पकड़ता हूँ तुमको। क्या कहते हैं, कैसी फिल्म लगी आप? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत क्या खास है, श्रद्धा कपूर ने बहुत अच्छा काम। दोबारा देखोगे फिल्म को? हाँ जरूर जरूर। म्यूजिक ठीक था बट डायरेक्शन बहुत अच्छा था। आप बताइए आपको कैसे लगे? फिल्म अच्छी लगी, फायदा कभी कर रही, अच्छा। स्टोरी लाइन कैसा है? स्टोरी लाइन भी अच्छी है, कंटेंट अच्छा था स्टोरी का। दोबारा फिल्म देखेंगे आप? हाँ जी हाँ। हसीना की रोल में श्रद्धा, हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग थी उसकी, अच्छी निभा। और लोग मैं पूछता हूँ तुम लोग को, It's a superb film. What is the storyline? About her direction, about I think Shraddha has given a powerful performance and she's so young, but the way unko makeup kiya gaya hai aur jis prakar se unne act kiya, it's a difficult subject and I think superb film. Out of 5 stars? 3.5. क्या नहीं देखी गई? कैसी फिल्म लगी आपको श्रद्धा की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या खास है फिल्म में? एक्टिंग के अलावा म्यूजिक पार्ट कैसा है, डायरेक्शन कैसा है? सब कुछ अच्छा है, उसका भाई अच्छा है, सब अच्छा है, कास्टिंग अच्छी है। म्यूजिक कैसा लगा? ओके म्यूजिक। और रिलीज जो मतलब आपने हसीना पारकर को देखा है कभी, मतलब फोटो देखा उनका या कभी उनका? हाँ मेकअप गेटअप जैसा करे ना, वो जॉब का तो एकदम परफेक्ट है। हाँ दो तीन बार और। आप कैसी फिल्म है? औसम मूवी है, कुछ नया देखने को मिला कि मीन्स कुछ मतलब पुराने चीज़ें जो मतलब आज के जनरेशन को मालूम नहीं है, तो कुछ नई चीज़ें देखने मिली, अच्छी है। और मुंबई को कितने अच्छे से मतलब दर्शाया गया? जी मुंबई को कितने अच्छे से दर्शाया गया उस फिल्म में? तो मीन्स मुंबई मतलब पुरानी मुंबई मतलब कैसी थी, आज की मुंबई कैसी है, मीन्स मॉडर्न टाइप थोड़ी। तो दोबारा देखोगे? हाँ दोबारा इंशाल्लाह आज कल में देखेंगे। थैंक यू। लगी सर आपको? अच्छी लगी। फिल्म में खास बात सबसे क्या है? फिल्म देखिए, एक रियल लाइफ और अंडरवर्ल्ड की लाइफ ऐसा बताया जा रहा है, सच्चाई क्या है मुझे पता नहीं है, बट अच्छी लगी, ओवरऑल अच्छी मूवी लगी मुझे। दोबारा फिल्म देखेंगे आप? नहीं दोबारा तो नहीं देखेंगे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे कि डायरेक्शन पार्ट कैसा है? डायरेक्शन पार्ट भी ठीक ठाक है, मतलब जैसे उनका एक फिल्म मेकिंग का एक नेचर है अपूर्व लाखिया जी का, उस हिसाब का तो मुझे नहीं लगा एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि वो जो इसके पहले की उनकी फिल्में हैं वो बहुत ही अलग थी, इसमें थोड़ा सा वही बात बता रहा हूँ कि बाउंडेशन थी, किसी के रियल लाइफ की फिल्म थी, तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों थोड़ा चूक नज़र आ रही है मुझे। आप भी देखिए।